प्रणाम। कुछ ठीक है मम्मी, प्रणाम, बाय बाय। क्या अच्छी है तू। तो यार ये बन रहा है हमारा घर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं जा रहा हूँ यार वापस देहरादून, क्योंकि हमारा घर का बनने वाला है लेंटर। और वैसे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा जाने का, पर जाना तो पड़ेगा। पैकिंग वुकिंग हो चुकी है, मम्मी पापा लाएंगे सारा सामान कार में। एक कूलर भी जा रहा है नीचे, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है देहरादून में, तो कूलर अभी चाहिए। जहाँ हम रेंट के रूम पर रह रहे हैं, और ये बैग मैं लेके जाऊँगा। तो मैं और दीदी जा रहे हैं बाइक में, और पापा ये सारा सामान लाएंगे कार में। तो शाम तक मम्मी पापा भी जाएंगे। हम पहले इसलिए जा रहे थे ताकि हमको रूम की सफाई भी करनी है, तो मम्मी पापा वहाँ पर आएंगे तो आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी। इट्स टाइम टू गो। चाबी, हेलमेट, लाइसेंस। लाइसेंस नहीं है ना मेरे पास। एकदम रेडी होके बैठी है। पापा ठीक है, मम्मी पढ़ना, बाय। और इसको विदा करने गायें भी आई हैं यहाँ पे। बाय बाय। तो यार अभी हम खाड़ी से आगे आ गए हैं और हमें भूख लग रही है, तो हम थोड़ा रुक गए। मम्मी ने खाना दिया है पैक करके, तो हम वही खाएंगे। खाने में चने और रोटी। गाइस, जब आपके पास चम्मच नहीं हो चने खाने के लिए, तो आप इस रोटी को ऐसे ही मोड़ सकते हैं और चम्मच का यूज ऐसा कर सकते हैं। तो यार गर्मी का टाइम है, जून का महीना चल रहा है, और देखो क्या कोहरा लगा है। कुंजपुरी माँ का मंदिर है उस साइड कहीं। भाई वाओ। बैक टू द रूम, वापिस वही किसी बड़ी जिंदगी एक महीने बाद। टाइम कब निकल जाता है यार, पता ही नहीं चलता। एक महीना कब निकल गया टीरी में, पता ही नहीं चला। वापस वैसे ही जीना पड़ेगा इस रूम में जब तक घर नहीं बनता। ये है जिमी। जय भद्रकाली। क्या अच्छी है तू। जिमी और हमारा रिश्ता बहुत अलग है। पहले जिमी और हमारा रिश्ता कुछ ऐसा था। मूलचंद जी ने मेरी नाक काट दी, मूलचंद जी ने मुझे खुरा दिया, मूलचंद जी मेरे मुंह पे फूंक के चले गए। But now Jimmy is a good boy. Chicken. Ah, good boy. Jimmy is a good boy. बस ये चाहता है कि मैं यहाँ पे लेटा रहूँ और ये मेरे सर पे हाथ फेरता रहे। बस हाथ फेरना छोड़ दूँ तो अपने आप ही बोलता है कि वापस फेरना भाई हाथ सर पे। अच्छा नहीं लगा। देखो। ओके बॉय, ओके। और जब उसे बाहर जाना होता है तो वो ऐसे ही बिल्कुल वो दरवाजे पे लात मारता है। ओके जिमी, सी यू सून, बाय कार्टून। प्यार से हर कोई बदल जाता है गाइस, वो चाहे फिर इंसान हो या जानवर। प्यार से मनाओ किसी को तो सब मान ही जाते हैं यार। अगर आपसे कोई रूठा हुआ है तो उसे प्यार से मनाओ। अगर आपकी गलती है तो उसे मानो, सॉरी बोलो। भले ही टाइम लगेगा बट वो इंसान मान जरूर जाएगा। तो प्यार करते रहो, प्यार फैलाते रहो। तो यार फ्रेश होके मैं आ गया, चेंज भी कर लिया। अभी सबसे पहला काम ये है कि हमें करनी है रूम की सफाई, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा है। क्योंकि गलती से ये खिड़की खुली छोड़ के चले गए थे किचन की, एक महीने से खिड़की खुली ही है, तो रूम में बहुत धूल धूल सी हो रखी है। तो अभी पहले रूम को साफ करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा काम ये है कि अभी मुझे जाना है उधर प्लॉट में, देखना है उधर काम कैसा चल रहा है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं एक महीने से क्या काम उधर हुआ है। तो रूम साफ हमने कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा धूल थी। और मेन था ये पंखा भी साफ कर दिया, क्योंकि अभी बहुत गंदा हो रखा था। टाइम पे पंखा बहुत जरूरी है यहाँ देहरादून में, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो फिलहाल ये सफाई हो गई रूम की। अभी जा रहा हूँ मैं प्लॉट में जहाँ बन रहा है मेरा घर। फिलहाल यहाँ का मौसम तो ठीक है, धूप है पर इतनी लग नहीं रही है, क्योंकि अभी बादल है आसमान में। तो जहाँ मैं रेंट पर रहता हूँ वो उस साइड वो दूसरी गली है, और ये दूसरी गली है जहाँ पर हमारा घर बन रहा है। ये दो घर बन रहे एक साथ। ये घर जो है ये हमारे टीवी में जो पड़ोसी उनका है, और जो ये इस पोर्शन के आज आप ये घर देख रहे हो ये घर हमारा बन रहा है। फिलहाल तो इसमें लेंटल बनने वाले, इसलिए इतनी सारी ये लकड़ियाँ लगी है। तो यार ये बन रहा है हमारा घर। ये तो मैं डायरेक्ट आपको सीधा छत पे लेके चलता हूँ, वहाँ काम चल रहा है लेंटल पड़ने वाले, तो उसका काम मैंने कभी देखा नहीं है, तो वो आपको दिखाता हूँ पहले, और खुद भी देखता हूँ कैसा होता है एक्चुअली में लेंटल लगा। ए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सबसे पहले तो ये डर लग रहा है मैं ऊपर चढ़ूंगा कैसे, उसके नीचे तो बेस भी नहीं है।
ओके, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग सा काम लग रहा है मुझे। सब कुछ इन्होंने अभी तक यहाँ पे बिछाया है, ऊपर पे अभी उनके छत पे काम चल रहा है, हमारे छत पे हो गया। तो के पाइप है जिनमें से वायर होते हुए जाएगी, बीच में जैसे एकदम तो मकड़ी के जाल जैसा बना रखा है उन्होंने। मेरे साथ आएगा फैन, इससे चार चार आपको ये दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे आएगी हमारी लाइट्स, चार कोनों में चार लाइट, और ये हर एक उसमें इन्होंने ऐसे ही करा है सेम। देखने में तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, पर इसमें बनाते बनाते इनकी आफत आ गई होगी। सेम वो अभी वहाँ पे भी कर रहे हैं उनके छत में। लिंटल का काम यार मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा लिंटल पढ़ते हुए देख रहा हूँ, तो मेरे को तो काफ़ी मज़ा आ रहा है वैसे। होप सो कि जल्दी जल्दी ये काम खत्म हुआ ताकि जल्दी जल्दी घर बने और फटाफट घर पे एंट्री हो अपनी। अभी चलते हैं वापस नीचे, क्योंकि यहाँ पे पाँव रखने में बहुत डर लग रहा है, कुछ भरोसा नहीं कब कहाँ से नीचे धस जाऊँ मैं और दब जाऊँ अंदर। तो यार मैंने कुछ अमेजोन से सामान मंगाया था, तो सामान आ गया, तो वो लेने में जा रहा हूँ फिलहाल। अरे भैया अभी आपको दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग करके इसकी, किसमें एक्चुअली है क्या। पहले इसको खोलते हैं। ओके, उसमें बेसिकली मैंने ट्राईपॉड मंगाया था, तो ट्राईपॉड आ गया है। ये गोरिल्ला ट्राईपॉड है, फ्लेक्सिबल, कैसे भी आप इसे मोड़ सकते हैं। आपको पता होगा आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास देखा होगा, पर ये उतना महंगा नहीं है, उतना कॉस्टली नहीं है। और ये होल्डर, ये होल्डर यार इसके साथ मिलता है, पर इसमें अगर मैं माइक अटैच करने जाऊँ तो वो माइक इसमें अटैच नहीं होगा, क्योंकि इसमें वो माइक अटैच वाला वो पार्ट नहीं है, वो पोर्शन नहीं है, नहीं पता क्या बोलता है, मैं भूल गया, इसलिए मैंने ये मंगाया। आपको शू माउंट नहीं है, तो इसमें वो शू माउंट दिखाता हूँ आपको। ये शू माउंट की मैं बात कर रहा था, ये होता है ना यहाँ पे माइक को हम वो अटैच करते हैं, तो ये शू माउंट इसमें नहीं है, अगर आप देखोगे तो ध्यान से, इसमें वो शू माउंट नहीं है, वो इसमें है। तो ये अभी मैं इसमें अटैच करूँगा। ये मैंने नए इक्विपमेंट्स मंगाए हैं अपने ब्लॉगिंग के लिए। मैंने ट्राईपॉड पे फोन अटैच कर लिया है और स्टेबल अब वीडियो वैसे बन रही है, हाथों को भी काफी आराम मिल रहा है यार इससे। मेरे जैसे जो बिगिनर्स है यूट्यूब में उनको काफी हेल्प करेगा ये ट्राईपॉड एंड शू माउंट, तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास नहीं है तो आप जरूर ले, ज्यादा महंगा नहीं है, आपको अमेजोन में मिल जाएगा। 3 hours later. तो यार मम्मी पापा लोग आ गए और अपने साथ लाए हैं ये कूलर, क्योंकि यहाँ देहरादून में बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, सिर्फ इस पंखे से काम नहीं चलता है यार। तो अभी यार अब जस्ट खाना खाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि आज काफी काम किया है, तो 5 बजे का उठा हूँ, काफी थक चुका हूँ, तो फिलहाल अभी खाना खा के सोते हैं। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो गाइस, नेक्स्ट वीडियो बना लिया बहुत ही खास, क्योंकि हमारे घर का बढ़ने वाला है लेंटर, वो वीडियो भी जल्दी ही आएगी, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। मैं मिलता हूँ जल्दी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।